स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर सेवन ऑफ स्मार्ट इंग्लिश ओके एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सपैंड व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू सर्कल द वर्ड इन ईथ सेट ओके तो देखो जो यहां पे शब्द दिए गए हैं इनमें जो वर्ड इस ग्रुप में नहीं आएगा उसको हमें सर्कल करना है देखो एयरपोर्ट सीपोर्ट बस बस डिपो कार स्टेशन तो व्हाट इज द ऑड वर्ड ऑब्वियसली देखो ऑड वर्ड इज कार क्यों कार ऑड वर्ड है देखो कार एक व्हीकल का नाम है लेकिन बाकी सारा जो है वो सारे क्या चीज के नाम है जहां पर व्हीकल्स रुकते हैं एयरपोर्ट जहां पे प्लेन रुकता है सीपोर्ट जहां पर जहाज रुकता है बस डिपो जहां पे बस रुकता है स्टेशन जहां पे ट्रेन रुकते हैं तो ऑल अदर्स आर प्लेसेस बाकी सारे क्या है प्लेसेस है देखो मार्स जुपिटर सैटर्न वॉइजर विनस देखो मार्स जुपिटर सैटर्न और विनस ये जो चार है ये प्लैनेट्स है और वॉयजर क्या है यह इंसान के द्वारा भेजा गया एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम है तो ऑब्वियसली वॉयजर इज डिफरेंट सो वॉट वी विल राइट ऑल अदर्स आर मतलब जो हमने टिक किया उसके अलावा बाकी सब क्या है प्लैनेट्स है ऑल अदर्स आर प्लैनेट्स ट्राउजर्स शर्ट्स, क्विल्ट स्कूल सॉरी क्विल्ट स्कर्ट्स सारीस तो यहां पर अलग क्या है देखो ट्राउजर, शर्ट स्कर्ट और साड़ी ये सारे पहनने के चीज है मतलब ये सारे ड्रेस है और क्विल्ट का मतलब होता है रजाई सो क्विल्ट अलग है तो ऑल अदर्स आर हम क्या लिखेंगे ऑल अदर्स आर ड्रेसेस देखो पेंस, पेंसिल्स इरेजर्स क्रेयॉन्स स्केच पेन्स तो ऑब्वियसली यहां पे अलग क्या है इरेजर्स क्योंकि बाकी सारे चीजों से हम लिखते हैं सिर्फ इरेजर से हम मिटाते हैं तो ऑल अदर्स आर क्या लिखेंगे राइटिंग आर्टिकल्स राइटिंग आर्टिकल्स अर्थात लिखने के सामान सफायर रूबी कोल्ड टोपाज, ओपल देखो रूबी सफायर टोपाज और ओपल ये चारों कीमती मोतियों की नाम है कॉस्टली प्रेशियस स्टोन्स की नाम है सिर्फ कोयला अलग है तो ऑल अदर्स आर हम क्या लिखेंगे ऑल अदर्स आर प्रेशियस स्टोन्स प्रेशियस स्टोन्स ओके नेक्स्ट अब देखो ये सारे जो शब्द है इन शब्दों के साथ ई -E या ई -E जोड़ के नया शब्द बनाना पड़ेगा ओके सो पॉसिबल पॉस क्या होगा पॉस हो जाएगा पॉस के साथ आएगा ई So, क्या हो जाएगा पॉसिबल कंफर्ट कंफर्ट के साथ जुड़ेगा एबीएलई कंफर्टेबल सेंस के साथ एस एन एस के साथ क्या जुड़ेगा सेंसिबल एडोर के साथ क्या जुड़ेगा एडोरेबल रेस्पॉन्स के साथ क्या जुड़ेगा रेस्पॉन्सिबल मैनेज के साथ क्या जुड़ेगा मैनेज टर के साथ क्या जुड़ेगा टेरिबल लव के साथ जुड़ेगा लवेबल तो ये हो गया नए वर्ड्स ओके नेक्स्ट एवेल के साथ क्या जुड़ेगा एवेल कंसिडर के साथ क्या जुड़ेगा considerable. Suit के साथ सुटेबल और हॉर के साथ हॉरिबल ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है अंडरलाइन द वर्ड्स इन द कलेक्टिव नाउन एक्सप्रेशंस गिवन हैव बीन मिक्स्ड अप तो यहां पे देखो कलेक्टिव नाउन्स दिया गया है लेकिन कलेक्टिव नाउन्स जो नाउन के साथ आना चाहिए वो गलत नाउन के साथ दिया गया है तो तुमको उसको करेक्ट करके दोबारा लिखना है जैसे देखो यहां पे लिखा गया अ बंच ऑफ बीज लेकिन बंच बीज के साथ नहीं आता है बीज के साथ क्या आता है स्वर्ण सो व्हाट वी हैव रिटन अ स्वर्म ऑफ बीज उसी तरह से देखो अ डैश ऑफ हेज ऑफ ट्रीज तो ट्रीज के साथ हेज नहीं आता ट्रीज के साथ क्या आएगा अ क्लंप ऑफ ट्रीज ओके अ क्लंप ऑफ ट्रीज अ क्लम्प ऑफ कीज तो कीज के साथ क्लंप नहीं आएगा कीज के साथ क्या आता है बंच सो अ बंच ऑफ कीज नेक्स्ट गैंग ऑफ बुशेज बुशेस के साथ गैंग नहीं आता है बुशेज के साथ क्या आता है हेज सो so, क्या हो जाएगा अज ऑफ बुशेज लास्ट थीव्स थीव के साथ आएगा गैंग सो अ गैंग ऑफ थीव ओके अ गैंग ऑफ थीव्स तो ये हो गया ये वाला एक्सरसाइज सो नाउ वी कम टू द ग्रामो पार्ट नाउ इन ग्रामर व्हाट वी हैव टू डू चेंज द टेंस ऑफ दर्ब्स टू सिंपल पास्ट तो यहाँ पर सारे सेंटेंस का जो टेंस है उसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है और सिंपल पास्ट में चेंज करते हुए अगर सेंटेंस में दूसरा भी कोई शब्द को चेंज करना पड़े ताकि सेंटेंस का मीनिंग सही रहे उसे भी समझ के हमें चेंज करना पड़ेगा देखो आई केम होम एट सिक्स एवरी डे मैं रोज घर छः बजे लौटता हूँ तो पास्ट टेंस करेंगे सिंपल पास्ट तो काम का क्या हो जाएगा केम तो आई केम होम एट सिक्स अब जब केम होगा तब इसके साथ एवरीडे नहीं होगा तब इसके साथ येस्टरडे ऐसा कुछ हो जाएगा ठीक है तो आई केम होम एट सिक्स येस्टरडे तो मैं कल घर छह बजे लौटा था सैंडी फीड्स द बर्ड्स ब्रेड क्रम्स ब्रेड क्रम्स मतलब ब्रेड के टुकड़े तो फीट का पास्टन्स क्या हो जाएगा सैंडी फेड सिंपल पास्ट हो जाएगा फीट्स का फेड तो सैंडी फेड द बर्ड्स ब्रेड क्रम्प ब्रेड क्रम्स ओके नेक्स्ट ग्रैंडमा मा टेल्स मी अ स्टोरी इन द इवनिंग तो देखो टेल्स का क्या हो जाएगा टोल्ड तो ग्रैंडमा टोल्ड मी अ स्टोरी इन द इवनिंग को हम चेंज करके कर सकते हैं लास्ट इवनिंग मतलब कल इवनिंग को क्योंकि पास्ट मतलब जो काम पहले हो गया आई बाई बाई का पास टेंस क्या हो जाएगा बॉट तो आई बॉट वेजिटेबल्स आई बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द वेंडा

तो सविता एंड गायत्री वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग का क्या हो जाएगा लास्ट मॉर्निंग या येस्टरडे मॉर्निंग आई कैन से येस्टरडे मॉर्निंग ऑल्सो तो सविता एंड गायत्री वेंट फॉर अ वॉक येस्टरडे मॉर्निंग नेक्स्ट अब देखो यहां पे सारे जो ब्लैंक्स है उसको हमें सिंपल पास्ट और सिंपल कंटिन्यूअस सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस से भरना पड़ेगा सिंपल पास्ट माने वर्ब अपना पास्ट फॉर्म में यूज होगा और पास्ट कंटिन्यूअस माने वर्ब आईएनजी में होगा और उसके पहले वॉज या वेयर लगाना पड़ेगा तो देखो आई मेड मेक का टेंस मेड माई साइंस मॉडल वैन माई मदर सॉरी मैंने ये गलत बोला देखो तो ये हो जाएगा मैं अपना साइंस प्रोजेक्ट बना रहा था जब मेरी माँ ने मुझे बुलाया तो आई वॉज मेकिंग ये काम मैं पास्ट में कर रहा था वेन माई मदर कॉल्ड मी सिंपल पास्ट वी डैश अ गेम ऑफ स्क्रेबल वेन द इलेक्ट्रिसिटी डैश ऑफ तो हम लोग स्क्रेबल खेल रहे थे तो वी वेर एंजॉय वी वेर इंजॉयंग गेम ऑफ स्क्रेबल वेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ एवरी वन वॉज विस्परिंग मतलब बड़ा धीमी आवाज में बात कर रहे थे लाइब्रेरी में एवरी वन वॉज विस्परिंग इन द लाइब्रेरी वेर अब देखो आर यू सॉरी वेर वेर यू सिंपल पास्ट बी का जब भी बी दिया जाएगा बी का सिंपल पास्ट होगा वॉज येर तो वेर वेर यू वी वेर लुकिंग हम लोग तुम तुम्हारा खोज कर रहे थे सिंपल पास्ट टेंस दिस इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस आई डैश एट द बस स्टॉप तो क्या हो जाएगा देखो आई वॉज वेटिंग मैं बस स्टॉप में वेट कर रहा था दिस इज सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस द चिल्ड्रेन कल दोपहर को पूल में एंजॉय कर रहे थे तो क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस

उस बोट की तरफ इतना क्यूरियसली क्यों देख रहे थे वेर लुकिंग ओके नेक्स्ट अब यहां पे देखो हमें पास्ट परफेक्ट यूज करके ब्लैंक्स को भरना है तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है और उसके पहले एक हैड बैठता है तो गो का थर्ड फॉर्म होगा वेंट गॉन uh, तो हैड बैठेगा आई हैड गॉन देखो बाई का थर्ड फॉर्म होगा बॉट पास्ट परफेक्ट में उसके पहले बैठेगा हैड द वेव्स वॉस्ट अवे दैसल्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिल्ट तो पास्ट परफेक्ट होगा टू hills सो so बी का बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन और उसके पहले आएगा हैड तो पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज होता है बाई अंकल मेड मेड का भी थर्ड फॉर्म मेड ही होता है और एक हैड लगाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में तो माय अंकल हैड मेड तो दिस इज एक्सरसाइज थ्री नाउ वी कम टू एक्सरसाइज फोर एक्सरसाइज फोर में क्या करना है हमें सही जगह पे विल या शैल बैठाना है याद रखना है कि आई और वी सिर्फ आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस में शैल बैठता है बाकी सबके साथ विल बैठता है तो आई आई के साथ क्या हो जाएगा आई शेल रिटर्न होम यू विल शी विल दे के साथ भी विल फिर यहां पर वी है तो शैल फिर देखो टीम के साथ विल यू के साथ भी विल तो यह हो गया एक्सरसाइज सेवन ओके सो गेट इट डन इन योर बुक एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज एट आई मीन Uh, Let practice lesson eight. Okay, thank you so much.